हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं। अभी तक हमने ये आउटपुट देख लिया था। पिछली बार में मैंने यहाँ पे सिर्फ इनका एक तो वेट बढ़ा दिया है और एक ये मार्कर लगा दिया है। यहाँ पे कोई एक पे हम दोबारा देख लेते हैं कैसे करेंगे। डबल क्लिक, चार्ट एडिटर खुल जाता है। किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करें तो देखें अब सारी लाइन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। और इनके ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी विंडो, ये प्रॉपर्टी विंडो खुल जाएगी। यहाँ से लाइंस के अंदर वेट 2 कर दीजिए, ठीक है। नंबर 2 इस पर दोबारा क्लिक करके अब आप किसी एक ये सर्कल जो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करें तो देखिए आपके सारे सर्कल आ जाएंगे। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। देखिए सर्कल है ना, किसी एक सर्कल पे क्लिक करें आप तो सारे सर्कल सेलेक्ट हो गए यहाँ पे। अब एलिमेंट्स के अंदर है शो डाटा लेबल, तो इससे डाटा लेबल आ जाते हैं और ये हमारी चीज़ बन गई। आइए अब देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे। मैं एक बार फाइनल लास्ट टाइम बता देता हूँ कि हमने क्या किया। तीन चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताएगा कि कुछ ट्रेनिंग का इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड, प्लॉट इंपॉर्टेंट है, जो हम ग्राफिकली देखेंगे। प्लॉट एक बार ध्यान से देखिए, मैंने सब विद रिस्पेक्ट टू वीक बनाए हुए हैं। वीक का जेंडर वाइज, वीक का क्लास वाइज और वीक का दिस वाइज। मैंने अभी तक कोई भी जेंडर और क्लास का नहीं बनाया है। एक ये भी बना लेते हैं, जेंडर को यहाँ लेके इसका भी एक देख लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू। थर्ड, ऑप्शंस के अंदर मैंने इन सब का मीन निकाला है। अब तो खैर ये मीन यहाँ डिस्प्ले है, पर फिर भी एक बार इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। और ये ओके करने के बाद अच्छा वो चार्ट तो रह गया, कोई बात नहीं। तो मैं एक एमएस वर्ड की फाइल यहाँ बगल में खोल लेता हूँ और अब हम एक एक चीज़ें मिलाते चलेंगे, क्योंकि ना ये कहाँ से शुरू करें। पहले तो मीन आप देखिए, ये है जेंडर इंटू क्लास का, जो मैंने निकाला ही नहीं है। अब आप कैसे देखेंगे इसे, एक ये है कि हाँ जी अब देखो। और मीन कहाँ है हमारा, एस्टिमेटेड मीन। जेंडर इंटू क्लास तो है नहीं हमारे पास। जेंडर इंटू वीक है, हाँ जेंडर इंटू वीक है। तो इस चार्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी एमएस वर्ड में, और इसका थोड़ा सा मैंने ना स्पेस कम कर दिया यहाँ। तो जेंडर इंटू वीक, आओ मिलाए। हमारा बॉयज़ का 38 था, जो बढ़ के हो गया 50.4, जो आगे हो गया 66.7। और ये कौन है जी इस तरफ, एक मिनट, गर्ल है। गर्ल हमारे थे 38 से 0.5 हो गया ना, ये दो तो बढ़ के हो गया 59.960 और बढ़ के हो गया 69.8, करेक्ट। आगे चेक कर लीजिए वीक इनटू क्लास, क्लास का देख लेते हैं हम। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि ये जो हमने ग्राफ के ऊपर अब आ गए हैं, ये यही चीज़ें वीक इनटू क्लास। देखिए बॉयज़ का नहीं, सबका फर्स्ट ईयर का 26.5, ठीक है, 5.5 है ना, से 50 हो गया और 50 से 60। थर्ड ईयर का देखिए 42.6 था 5, ठीक है, उससे हो गया 55 के करीब हो गया, 54.9, उससे बढ़ के हो गया 69, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एस्टिमेटेड मीन, मीन हमें बताएगा वो अब चार्ट के ऊपर भी है। अब हमारे लिए मिनिमाइज मैंने इसलिए कर रखा है ताकि कन्फ्यूज ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है ये वाली। अब मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और इस टेबल में बेसिकली मुझे सारे तो नहीं देखने, मुझे तो सिर्फ एफ ये सिग्निफिकेंस वैल्यू देखनी है। सो इसको करें डिलीट और इनको छोटा कर देते हैं, ये भी छोटा करते हैं। और अब हम अपने आते हैं चार्ट पे। आइए ये एनालिसिस हम करते हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, आओ एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वीक इनटू जेंडर की। वीक इनटू जेंडर, वीक हम कर चुके हैं उसमें। वीक इनटू जेंडर में अब आप देखो 38 से 50 कितने बढ़े, 12, और ये कितने हुए 38 से 60, अप्रॉक्सीमेटली 22 के करीब हो गए, मतलब 21.9 या 22। इनमें तो फ़र्क हुआ 22 का, इनमें फ़र्क आया 12 का, क्या इन दोनों में फ़र्क है, हाँ जी फ़र्क है, करेक्ट। 60 से 69 हुआ और 50 से 66, इसमें फ़र्क हुआ 16 के करीब का, इसमें हुआ 9 का, क्या इन दोनों में फ़र्क है, तो ये हम कर रहे हैं वीक इनटू जेंडर और स्किल का, हाँ जी बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है हम कैसे देख रहे हैं। लेवल 1 इनटू लेवल 2 ये कहाँ से आती है, कंट्रास्ट है ये कंट्रास्ट की जो टेबल थी ना, यहाँ पे हमने कंट्रास्ट रिपीट कर रखा है। रिपीट का क्या मतलब, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। अगर मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, इसका नाम होता है सिंपल, राइट। इसी तरह ये डिफरेंस डेविएशन अलग अलग है, रिपीट काफ़ी ठीक है।
जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो रिपीट ही ठीक है, नाम से भी वैसे रिपीट मेजर ही है। ओके आगे चलें, वीक इनटू क्लास। हाँ जी, वीक इनटू क्लास की बताओ, यहाँ पे सारे चारों क्लास टीचर बैठे हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि इसमें कितना फ़र्क आया, 26 से 50, 32 से 50, इसमें फ़र्क आया 14 का, इसमें फ़र्क आया 12 का, यहाँ आया 8 का और यहाँ आया 13 का, क्या इनमें फ़र्क है? हाँ जी फ़र्क है। आगे देखिए, 64 से 78 14 का फ़र्क आया, 54 से 69.5 अप्रॉक्सीमेटली 15 या 14 14 का ही फ़र्क आया, 50 से 64 14 का फ़र्क आया, 50 से 60 10 का फ़र्क है। क्या हर एक में इक्वल इम्प्रूवमेंट है? ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो सब में है, यहाँ आ रहा है नहीं जी, नहीं है, सब में सेम इम्प्रूवमेंट है। समझ पा रहे हैं दोनों को? जब आपकी ये पी वैल्यू कम है, इसका मतलब वो जो सब में जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सेम है या डिफरेंट है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे थे 26 से 50 24 पे जंप कर गए हैं ये, और ये जंप करके गए हैं 18 का, इन्होंने जंप किया है 8 का, इन्होंने फ़र्क किया है जो किया है 13 का। तो कहाँ से सेम है, इनका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यही हमें ये बता रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 14 14 14 और 10 लगभग सेम, इसने कहा नहीं जी कोई फ़र्क नहीं, इम्प्रूवमेंट है लेकिन सबके सेम है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, ये जो ट्रेनिंग थी ये कुछ इस तरह की थी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट वीक में जब हमने यहाँ किया ना, दो वीक की ट्रेनिंग थी, एक और एक, ये तो इनिशियल मेजरमेंट था। एक वीक के बाद जब किया तो फर्स्ट ईयर तो बहुत एक्साइटेड, बहुत ही एकदम से कनेक्ट किया उन्होंने, उनके स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। या माइट भी ये ऐसा भी हो सकता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए ही, फर्स्ट ईयर के बच्चों का नहीं था, ये बहुत ही छोटे थे, प्लस टू के बाद आते हैं छोटे बच्चे, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये एट पार आ गए कि अब ठीक है जी अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब तो है ही। देखो यहाँ तो सारे ही कम थे वैसे तो सेकेंड ईयर क्या कर रहा था यहाँ पे, ये भी कम था। खैर, ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट हुआ, आगे भी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंट है। शायद इनको एक इंडक्शन प्रोग्राम या सोशलाइजेशन वो भी दिया, मतलब फर्स्ट ईयर में बहुत फर्क था। आगे देखें, यह हुआ स्किल का, स्ट्रेस का देखिए, वीक इंटू जेंडर पे, वीक इंटू जेंडर पे जो कितने का फ़र्क आया, 7 से 7 का, ओके पॉइंट्स में फ़र्क आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 7 से 5, यहाँ दो लेवल का फ़र्क आ गया। ठीक है, क्या ये सेम है? वीक इंटू जेंडर और स्ट्रेस पे देखिए इसका कहना है जी, हाँ जी सेम है, यहाँ इंटरेस्टिंग है। तो एक मोटे तौर पे आप ये देखिए कि क्यों इसमें दो का फ़र्क है और इसमें भी दो का फ़र्क है। जब भी कभी ग्राफ पे आपको पैरेलल लाइन दिखे ना, इसका मतलब है उनमें सेम चीज़ चल रही है। जब भी अगर आगे बढ़ाने से या पीछे करने से क्रॉस हो जाए, सर्टनली लिख रहे हैं ना, अगर पीछे जाएंगे क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब है डिफरेंस है। ये एक बहुत थंब रूल है, इंट्रैक्शन बोलते हैं इसे, कि अगर दोनों पैरेलल चल रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ नहीं, इसमें भी दो का फ़र्क है, इसमें भी दो का फ़र्क है, इनके दोनों में स्ट्रेस लेवल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, कोपिंग मैकेनिज्म सेम हुआ है, इनमें ज़्यादा हुआ था बॉयज़ में। तो इनिशियली दोनों स्ट्रेस में थे, यहाँ एक कंटेक्स्ट ध्यान रखिए, अभी बॉयज़ और गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ईयर की बात नहीं कर रहा। दो वार्डन बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जी हाँ हमारे पहले बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में थे, उसके बाद गर्ल्स को काफ़ी एकदम से इम्प्रूवमेंट करवाया, मे बी ये किसी तरह का कोई काउंसलिंग प्रोग्राम था या कुछ इनके, आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा था, पर गर्ल्स में, और गर्ल्स में तो बिल्कुल लगातार चल रहा है, बॉयज़ में भी इम्प्रूवमेंट है, कोपिंग मैकेनिज्म उनका जो स्ट्रेस लेवल है कम हो रहा है, पर गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, लेकिन सेकेंड वीक में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है स्ट्रेस का। आगे देखें, वीक इनटू क्लास, वीक इनटू क्लास के अंदर चेक करें स्ट्रेस में, स्ट्रेस में ओके यहाँ तो सारे क्रॉस क्रॉस दिखे रहे हैं आपको, बिना देखे आप बोल सकते हैं हाँ जी बिल्कुल फ़र्क है। फाइनल ईयर ये देखिए स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ही नहीं लेते थे, और फर्स्ट ईयर के बहुत लेते थे, फर्स्ट ईयर खुश और सेकंड ईयर में तो इनको पता नहीं क्या सिखा दिया, अब तो स्ट्रेस ही नहीं ले रहे फर्स्ट ईयर के तो बिल्कुल बिंदास। लेकिन ये जो फाइनल ईयर के हैं इनको याद आ गया कि हम तो फाइनल ईयर में, उल्टा ही हो गए, तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं ले रहे थे स्ट्रेस फाइनल ईयर के, अब वो ले रहे हैं और ये इनको शायद एक्टिवेट कर दिया कि अब तुम्हारा प्लेसमेंट होने वाला है, तो इनमें बिल्कुल फ़र्क है यहाँ पे। और कुछ वीक इनटू जेंडर इनटू क्लास ये शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग हैं, इकट्ठा नहीं है जिसमें एक हो, सो ये एक लिमिटेशन है। चलिए यहाँ रुकते हैं एक बारी, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंक्लूड करेंगे सारे को। थैंक यू।